الجزاء الإحسان إلا الإحسان. और यहां पे एक छोटा सा नोट दे दो ज़िमनन दरमियान में कि रमजान से पहले एक महीना शाबान का है और शाबान के अंदर इसकी 15वीं रात को अक्सर लोग शब्बे बरात कहते हैं और कहा जाता है कि शब्बे बरात में इंसान के साल भर के आमाल तकसीम होते हैं। इसकी कोई दलील नहीं है। शब्बे बरात की कोई इबादत, शब्बे वो 15वें शाबान के लिए कोई अलग से खाने बना के तकसीम करना, दिन के रोज़े रखना, कोई भी इबादत करना, ये गुनाह है और जुर्म है। अगर इंसान उसको सवाब समझ के कर रहा है तो वो बिदअत कर रहा है और बिदअत सारी की सारी गुमराही होती है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत ज़रूर मौजूद है जिसको बाज़ मुहद्दिसीन सही या हसन कहते हैं कि अल्लाह ताला शाबान की जो निसफ रात है उसमें अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है और सब बंदों के गुनाह माफ़ कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय मुशाहिन के, सिवाय मुशरिक के और सिवाय बिदती के, या बाज़ जगहों पे सिवाय शराब पीने वाले शराबी के, इनके अलावा अल्लाह ताला सब के गुनाह माफ़ कर देता है। इस एतबार से समझ लें कि रात को एक वक़्त ज़रूर है, लेकिन इस बुनियाद पे इंसान कोई अलग से इबादत करे, अलग से कोई और करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अमल साबित नहीं है। अगर कोई इंसान उस शब्बे बरात की वो फजीलत लेना चाहता है तो उसे शिरक छोड़ना होगा, उसे बिदात छोड़नी होगी, उसे जो है वो नशा आवर या शराब ये सब चीज़ें या इसके और भी मुशाहिन के और भी बहुत सारे माने किए गए अलगर्ज गुनाह छोड़ने होंगे अगर इंसान अल्लाह से गुनाह माफ़ करवाना।